हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 37वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि हमारे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं और उन भागों का क्या क्या काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 8 भागों को लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के अंतर्गत। तो सबसे पहला नंबर पर यहाँ पर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो यह वह भाग है जो कि हमारे स्टेबलाइजर में इनपुट वोल्टेज को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए काम करता है। जो भी हम इनपुट वोल्टेज घटा हुआ या बढ़ा हुआ इस ट्रांसफार्मर को देते हैं, तो इससे बढ़ा करके या घटा करके जो आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो वो सारा काम जो है कि हमारा यह ट्रांसफार्मर करता है। यानी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने का जो भी काम होता है, हमारा ट्रांसफार्मर करता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर कॉमन के अतिरिक्त न्यूनतम 3 तार या फिर अधिकतम 6 तार हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, कॉमन के अतिरिक्त 4 या फिर 5 तार वाला ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अब इस ट्रांसफार्मर में कॉमन के अतिरिक्त 4 या 5 तार के अलावा भी 2 अन्य तार होते हैं, जो कि LT के तार होते हैं, यानी लो टेंशन के तार होते हैं, जिसमें लो वोल्टेज निकलता है, जो कि 20, 22 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास हो सकता है। और इस वोल्टेज का इस्तेमाल हम लोग कीट को सप्लाई देने में करते हैं। यानी कीट को जो भी 20-22 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, वह LT के मदद से ही दी जाती है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर पर पूरा वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में समझ चुके होंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर चलते हैं रिले के बारे में। रिले क्या काम करता है? तो जो भी ट्रांसफार्मर में इनपुट देना है और आउटपुट लेना है, तो किस लूप पर इनपुट देना है और कौन से लूप से आउटपुट लेना है, ये सारा चुनाव जो है कि हमारा रिले करता है। और इस रिले को आप बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे इसी कोर्स के पीछे के तरफ चले जाएं और आपको रिले से संबंधित एक वीडियो दिखेगा। उस वीडियो को क्लिक करके इस रिले के बारे में पूरी तरह से प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं। चले फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो कि MCB है, MCB का काम क्या है कि यदि हम जो स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, स्टेबलाइजर से जो हम आउटपुट सप्लाई लेते हैं, उस आउटपुट सप्लाई में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर उस पर ओवरलोड दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो MCB होता है, हमारे स्टेबलाइजर को बचाने का काम करता है। यानी कि यह ट्रिप हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा स्टेबलाइजर खराब होने से बच जाता है। या फिर हम इसी MCB के मदद से हम स्टेबलाइजर की लाइट को ऑन या ऑफ भी करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर है आगे चौथे नंबर पर। वोल्ट मीटर का काम क्या है कि इसमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के वोल्टेज को देख सकते हैं। यानी कि हमारे पोल से लाइट कितना आ रहा है, उसको भी हम इसमें देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज हमारे घर के अंदर आ रहा है और कितना वोल्टेज जो है कि यह स्टेबलाइजर बना करके हमारे घरों में भेज रहा है। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की सप्लाई को हम इसमें वोल्ट मीटर में वोल्टेज को देख सकते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पर है रॉकर स्विच। रॉकर स्विच क्या होता है? तो एक ऐसा स्विच जो कि किसी भी स्थान पर लॉक के द्वारा फिट होता है, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई स्क्रू वगैरह नहीं दिया गया होता है इसको फिट करने के लिए, तो ऐसे स्विच हमारे रॉकर स्विच कहलाते हैं। और ये जो रॉकर स्विच है, हमारे जो स्टेबलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है, ये 2-way प्रकार का होता है। यानी 2-way स्विच होता है, जिसमें कि हम इनपुट और आउटपुट सप्लाई को दे करके मध्य वाले टर्मिनल से एक सप्लाई निकाल लेते हैं, जिससे जब चाहे हम इनपुट देख सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि रॉकर स्विच का इस्तेमाल हम वोल्टमीटर में इनपुट और आउटपुट देखने के लिए करते हैं। उसके बाद छठवें नंबर पर है HT कनेक्टर।
अब आपको पता होगा कि 1 kVA से ऊपर जितने भी स्टेबलाइजर बनाए जाते हैं उसमें मेन लीड का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, यानी कि इनपुट करने के लिए आपको अलग से कोई तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन केबल आ रहा है उसको आप ST कनेक्टर यानी पीछे के तरफ आप देखेंगे हमारे स्टेबलाइजर के बैक साइड में, तो इनपुट और आउटपुट दोनों का ऑप्शन होता है। वहाँ पर काला काला सा दो भाग दिखते हैं जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसको ST कनेक्टर बोला जाता है। यहाँ पर आप तारों को जोड़ते हैं और जो है कि इनपुट और आउटपुट हमारे स्टेबलाइजर से प्राप्त कर लेते हैं। अब उसके बाद 7वें नंबर पर है R&G LED, यानी कि एक ही LED है जिसके अंदर 3 जो है कि तार निकले रहते हैं कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एक ग्रीन और एक रेड यानी कि दोनों प्रकार की LED मिलती है। अब जब हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट सप्लाई सामान्य रूप से करता रहता है तो इस LED में ग्रीन जो है कि लाइट ब्लिंक करती है यानी जलती है, ब्लिंक नहीं करती है मतलब लगातार जलती है, और उसके बाद जैसे ही ऑटो कट होता है यानी कि स्टेबलाइजर रेंज के बाहर उसको जब इनपुट सप्लाई या आउटपुट सप्लाई दिया जाता है तो वह जो है कि ऑटो कट हो जाता है यानी आउटपुट सप्लाई नहीं देता है, और ऐसी परिस्थिति में हमारा जो ये LED लाइट है रेड जो है कि लाइट उसके अंदर जलने लग जाती है। तो इस तरीके से हमें कन्फर्म हो पाता है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है आउटपुट सप्लाई आउट कर रहा है या फिर ऑटो कट पर है। तो ये चीज़ें जो है कि हम रेड प्लस जी यानी कि R+G रेड और ग्रीन इंडिकेटर से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 8वें नंबर पर है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है इसको भी, क्योंकि इसी के द्वारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को ऑटोमेटिक बनाया जाता है, यानी कि अपने तरीके से कैसे यह काम करेगा, कैसे इसको पता चलेगा कि इनपुट वोल्टेज कम है कि ज़्यादा है, तो वो सब कुछ जो है कि यह PCB से डिसाइड हो पाता है। PCB क्या काम करता है, तो यह जितने भी रिले लगे रहेंगे, जैसा कि रिले के बारे में हमने यहाँ पर बताया, एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में न्यूनतम 3 रिले आप देख सकते हैं या फिर अधिकतम देखेंगे तो 5 रिले तक दिखाई दे देगा, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं 4 रिले या फिर 5 रिले वाला स्टेबलाइजर मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और इसी का कनेक्शन आप लोगों को हम बताने वाले भी हैं। तो उन सभी रिले में से मान लेते हैं 5 रिले है, तो 5ों रिलो में से किस रिले को कब ऑन करना है, किसको कब ऑफ करना है, जिससे कि वह रिले ट्रांसफार्मर से सप्लाई का जो इनपुट है या फिर आउटपुट है उसका चुनाव कर सके, तो ये सारा काम जो है कि हमारा PCB करता है। कौन से रिले को कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, ये सब कुछ जो है कि हम PCB के मदद से कर पाते हैं। और इसमें एक छोटा सा सेटिंग भी किया जाता है, सेटिंग के बाद जो है कि हमारा ये PCB आसानी से स्टेबलाइजर के रेंज के अनुसार वोल्टेज को घटाता बढ़ाता रहता है, यानी कि अपने आप यह समझ जाता है कि कब किस रिले को ऑन करना है, कब किस रिले को ऑफ करना है। यह ज़्यादातर दो टाइप से आते हैं, एक 5 स्टेप का और एक 7 स्टेप का, यही मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं और बिकते भी हैं। तो 5 स्टेप का जो PCB होता है स्टेबलाइजर वाला वह कैसे काम करता है, या फिर 7 स्टेप वाला कैसे काम करता है, इसमें कनेक्शन वगैरह कैसे होता है, तो इनके विषय में हम एक एक अलग से आप लोगों को वीडियो बना करके देने वाले हैं, जिससे कि आप उस वीडियो को देख करके आसानी से इन PCB के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों को कवर करना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि 5 स्टेप के लिए किट के लिए हम अलग वीडियो बनाएँ और 7 स्टेप वाले किट के लिए अलग वीडियो बनाएँ प्रैक्टिकली, जिससे आप उस चीज़ को देख करके सारी बातें समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यदि पूरा देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।